अकाली दल का भाजपा से अलग होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात सोलन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कही। उन्होंने कहा कि अकाली दल एनडीए के साथ मिलकर काफी वर्षों से चल रहा था, लेकिन उन्होंने अब एनडीए का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक कानून को लेकर एनडीए और अकाली दल के विचार नहीं मिले, यही कारण है कि आज वह राजनीतिक कारणों से अलग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए यह कानून बनाए हैं, लेकिन विपक्ष भोले भाले किसानों को बरगला कर उन्हें भ्रमित कर रहा है और उनकी नासमझी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, अकाली दल एनडीए का बहुत पुराना घटक रहा है और कल उन्होंने फैसला किया कि एनडीए से बाहर निकलेंगे। और मुख्य वजह जिस प्रकार से अभी किसानों को लेकर जो विधेयक पारित हुए और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किसानों की दिशा और दशा सुधारने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लाए, उसको लेकर अकाली दल की अपनी कुछ रिजर्वेशंस थी अपने पंजाब की राजनीति को लेकर। वहाँ केंद्र में मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल से दे दिया था और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो वैसे दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारे सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल एनडीए का रहा और भारतीय जनता पार्टी का रहा। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार का इम्पैक्ट उसे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर अकाली दल का हमारे हिमाचल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभुत्व नहीं है, तो हमें हिमाचल को उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। जहाँ तक अकाली दल की बात है, अब आप जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल इनके बीच में मुख्यतः मुकाबला होता है और दोनों ही दल किसानों को लेकर और अकाली दल ने भी इस बात को लेकर ही एनडीए से अपना नाता तोड़ा। लेकिन अगर हम बात करें दोनों विधेयक की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो कि इस देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बदलने वाले हैं। हमारे जो अन्नदाता हैं, ये बिल उनके लिए भाग्यदाता बनेंगे। और वैसे भी आपने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में आई, पहली बार किसी ने किसानों के बारे में सोचा। उसमें चाहे किसानों की आय को दुगना करने की बात हो, किसानों को किसान सम्मान निधि की देने की बात हो, या ये जो विधेयक आए हैं जिस प्रकार से किसानों को अब अपने जो भी जितने भी उनका उत्पाद है वो अपने हिसाब से उसको बेच सकता है, बिचौलियों की जो प्रथा थी जहां उनका जो बिचौलियों के कारण जो बहुत सारा नुकसान हमारे किसान भाई को अपना एक्चुअल मूल्य नहीं मिल पाता था उनके उत्पाद का, लेकिन उसको समाप्त कर दिया।